सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है शफाफ है खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। इस तरफ देखा नहीं जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है ये वो सम्मान है। त्वं सिंधो कुभया गोमती कृमु मे हल्वा सरथं याभिरीयसे। अभित्वा सिंधो शिशु भिन्न मातरो वाश्रा अर्षंति पयसे वधेनवः। सिंधु में अन्य नदियां इस प्रकार मिलती हैं जैसे गायें अपने बछड़ों से मिलने को आतुर हो दौड़ती हैं। इसमें सिंधु की सहायक नदियों कुभा सुवास्तु कृमु और गोमती का भी उल्लेख है। महान सिंधु अपने सिंधु सूक्त में वीर सावरकर ने कहा था, ऐ सिंधु यदि सारा संसार तुझे भुला दे तो भी हम तुझे नहीं भूलेंगे। आपकी महानता विशालता भव्यता एवं सौम्यता अद्भुत है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आर्य मेरे मूल निवासी थे, वो बाहर से नहीं आए थे। पश्चिमी विद्वानों ने भ्रामक प्रचार किया था कि वो विदेशी थे। देखिए आर्यों के आक्रमण की जो धारणा है वो तो लिंग्विस्टिक है, उसका भाषा शास्त्रीय है, पुरातात्विक प्रमाण अभी तक तो मिले नहीं है। ये बिल्कुल निराधार सिद्धांत है। वास्तव में आर्य शब्द का जाति से कोई रिश्ता नहीं है। आर्य शब्द एक गुणवाचक शब्द है और संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में आर्य शब्द का उपयोग कहीं पर भी जाति के अर्थ में नहीं हुआ है। पश्चिम के विद्वानों ने इस सिद्धांत का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में करना प्रारंभ किया। उसका कारण यह था कि उस समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध और विकसित राष्ट्र था। यूरोप के राष्ट्र उस समय पर बहुत पीछे थे और वे भारत जैसे महान राष्ट्र से अपना संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने संस्कृत फारसी ग्रीक और लैटिन इन चार प्राचीन भाषाओं के बीच में शब्द साम्यता को उन्होंने खोजा और उनका कहना था कि भाई ये जो शब्द साम्यता है ये किसी व्यापारिक या राजनीतिक संपर्क के कारण से नहीं है। ये लगता है कि ये प्राचीन भाषाएं किसी एक मूल भाषा की पुत्रियां हैं और उस मूल भाषा को बोलने वाला समाज किसी एक जगह पर
रहता रहा होगा तभी तो उसकी मूल भाषा होगी। यहां से फिर इस बात की खोज शुरू हुई कि वो मूल भाषा कौन सी है जिससे ये सब भाषा निकली, और उस भाषा को बोलने वाले लोगों का मूल निवास कहाँ है, यानी दो चीजें शुरू। तो शुरू में उन्होंने कहा कि वो मूल भाषा संस्कृत होगी, लेकिन फिर उनको लगा कि संस्कृत से तो एकदम भारत का महत्व बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वो इंडो यूरेनियन भाषा रही होगी, इंडो यूरेनियन भाषा परिवार रहा होगा। तो जर्मन्स ने एकदम उसको कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडो जर्मनिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस थी, क्योंकि वो जर्मनी को भारत से जोड़ना चाहते थे। उस समय पर फ्रांस और जर्मनी में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उनमें बहुत झगड़ा था, जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, और इंग्लैंड का भी फ्रांस से टकराव था। तो इंग्लैंड जर्मनी के साथ सहानुभूति रखता था, तो इंग्लैंड ने सुझाव दिया कि भाई इंडो जर्मनिक के बजाय हमें इंडो यूरोपियन कहना चाहिए, तो उन्होंने उसको इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहना शुरू किया। इस बीच में मैक्समुलर ने कहा कि भाई इंडो जर्मनिक, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरेनियन, ये सब कृत्रिम शब्द हैं, बनावटी शब्द हैं, इससे इनमें विश्वास नहीं पैदा होगा। यदि हम उसको आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहें तो फिर भारतवर्ष के लोग भी उसको स्वीकार कर लेंगे, और वो उनकी भाषा का शब्द है, इसलिए उनको आसानी से स्वीकार हो जाएगा। और आर्य शब्द में आर्य शब्द श्रेष्ठता बोधक है, इसलिए उनको अपनी श्रेष्ठता का एहसास होगा। तो उसने विचार पूर्वक, योजना पूर्वक आर्य शब्द को उस भाषा परिवार के लिए प्रचलित किया, लेकिन जब भाषा परिवार के लिए प्रचलित किया तो वो फिर जनसमूह के लिए हो गया, जनसमूह के लिए हो गया तो वो जातिवाचक बन गया, और इस तरह से आर्य शब्द जो है ये जातिवाचक अर्थों में इसका प्रयोग होने लगा। फिर आया कि भाई वो उस भाषा को बोलने वाला, उस परिवार को बोलने वाला समूह रहता कहां था, तो इसमें उन्होंने तरह तरह के देशों को बतलाया, भारत को छोड़कर के बाकी भारत के बाहर उन्होंने उसको बतलाया। लेकिन धीरे धीरे मैक्समुलर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये बात कही कि भाई मैंने तो आर्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थों में नहीं किया था, केवल भाषा के लिए किया था। अब तो सरस्वती नदी की खोज हो गई है, हड़प्पा सभ्यता का प्रकटीकरण हो गया है, प्रारंभ में तो वो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक तो आर्यों को, वैदिक आर्यों को सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित मानते थे, लेकिन बाद में जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई 1859 में, तो उसके बाद से उनकी दृष्टि बदल गई। उन्होंने कहा कि भाई सभ्यता का विकास तो बर्बरता से सभ्यता की ओर है, और इसलिए भारत जो है ये पहले बर्बर रहा होगा, वैदिक युग जो है बर्बर है। तो उन्होंने भारत वैदिक पीरियड को एक ग्राम प्रधान अविकसित समाज के रूप में चित्रित किया, और इसलिए जब 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो शहरी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता थी, और इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता नहीं हो सकती, और ये वेदों से पुरानी है, ये थ्योरी उन्होंने वहां पर प्रपोज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सिद्ध हो रहा है कि वैदिक काल का जो निर्धारण उन्होंने किया वो भी गलत था। हड़प्पा सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता का ही वास्तव में दूसरा नाम है, और इसलिए वेद यदि उस सभ्यता का शब्द रूप है तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसका भौतिक स्वरूप है। ये अब विद्वानों ने मानना शुरू कर दिया है, और अब ये भी सिद्ध हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह को भी देख लिया गया है, सैटेलाइट मैप से भी वो चीज स्पष्ट हो गई है। तो अब ये जो आर्य सिद्धांत है ये पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, वैदिक संस्कृति के बारे में अनेकों पश्चिमी भ्रम अब दूर होने लगे हैं। भारत हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, नहीं कभी किसी से कुछ छीना है, सदैव विश्व को ज्ञान, मैत्री और सहअस्तित्व का संदेश ही दिया है। विश्ववानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबके कल्याण के लिए, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें,
सभी आनंदमय रहें, सारा विश्व जगत एक परिवार है, प्राणी मात्र के प्रति भी हिंसा की भावना न करना, ये कितना शांत प्रिय सिंधु का दर्शन ही बता रहा है। यानी ये शांत हमें शांति का वरदान दे रही है सिंधु। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, किस प्रकार ये सिंधु बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों से ताल्लुक रखती है स्वामी जी? हमारे भारतीय वांग्मय में और हमारी जो सोच है उसमें और हमारा जो हमारे जो पुराणों में जो अवधारणाएं अवतारों की, उनमें 24 अवतार हैं, उनमें एक अवतार भगवान बुद्ध भी है। तो भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो जिसने करुणा का संदेश दिया, जिसने कहा जीवन दुख है, जिसने कहा कि जीवन दुखों से घिरा न हो, शाश्वत शांति को प्राप्त हो, तो भगवान बुद्ध की करुणा का संदेश इसमें मिलता है और ऋषियों के चिंतन की ये साक्षी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हिंदू और बौद्ध मैत्री में अगर कोई सहायक बन सकती है तो ये नदी बन सकती है। आज इतने सालों बाद इस सिंधु को फिर से याद किया जा रहा है स्वामी जी, इसका क्या महत्व है? सिंधु एक ऐसी सरिता है जहाँ समूची भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं का रक्षण और पोषण हम वहाँ देखते हैं। सिंधु अपने में महानद है और इसका जल आरोग्य कारक है, पुण्य कारक है, सुचिता, पवित्रता, स्फूर्ति और तेजस्विता, बलवर्धन में सहायक जो जल है वह सिंधु का जल है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यह प्रवाह अमीय प्रवाह है, अमृत प्रवाह है। इस प्रवाह के साक्षी रहे हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी तपस्वी ब्रह्मचारी योगी ब्रह्मवेत्ता और तत्ववेत्ता। इसी प्रवाह को साक्षी मानकर वैदिक वांग्मय की रचना हुई है। इसी प्रवाह को साक्षी मानकर समूची संस्कृति का रक्षण करने वाले महा मुनियों ने योगियों ने यहाँ वैदिक साहित्य की रचना की। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जल आरोग्य कारक है और इस जल में जड़ी बूटियों का समावेश है, उन वन्य औषधियों का जो एक प्रकार से जीवन का रक्षण करने वाली हैं, जो मन में सुचिता, पवित्रता, बल, स्फूर्ति और शक्ति देने वाली हैं। प्रेम हमारा सिद्धांत, विश्वास हमारा दर्शन, करुणा हमारी मान्यता और सहयोग ही हमारा मूल मंत्र है। मानसरोवर से लेकर कराची तक और तिब्बत से लेकर लद्दाख तक, कभी मैं हिमनदों को गले लगाता हूं तो कभी बादल फटने की आवाज से रौद्र रूप में बहता हूं और अंततः मीलों चौड़े पाट में शांत रूप से सागर से जा मिलता हूं। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मैदानों में 5 नदियां रावी, झेलम, सतलज, चिनाब और व्यास आकर मुझसे मिलती हैं। उद्गम से लेकर सागर मिलन तक 1700 मील की मेरी लंबी यात्रा है। यह यात्रा है 3 देशों की मैत्री की, यात्रा है चीन की महान सभ्यता और हमारी महान वैदिक सभ्यता के अनोखे सामंजस्य की। जो भी लोग, जिनकी भी पूरी सिविलाइजेशन वहां से शुरू हुई है, उनसे सबके लिए सिंधु का महत्वपूर्ण जगह है दिल में। और ये अगर एक संदेश या एक मैसेज होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो लोग या जो सिंधु नदी से पे बसे थे और जो सिंधु नदी से सिविलाइजेशन ली थी, तो वो सब लोग प्यार से आपस में चल सकते हैं। इसी मैत्री और एकता का तीर्थ लद्दाख में आपके तट पर बना हुआ है, जहां पर हर वर्ष सिंधु उत्सव के समय सिंधु पुत्र आपको प्रणाम करने आते हैं।
सिंधु तट सर्व पंथ संभाव का एक नया तीर्थ बना है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, विभिन्न मतों और पंथों के महान विद्वान सबकी भलाई और कल्याण की कामना के साथ एकत्र होते हैं। मेरे तट पर दिल्ली और आगरा के महामान्य आर्च बिशप भी आए। तो फादर, ईसाई धर्म और सिंध का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है? ओ यार, सिंध दरिया तो भारतीयों के लिए ही नहीं, हम सब यहाँ के देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते हैं कि सिंध दरिया चीन में शुरू होती है, तिब्बत से आती है, भारत में आ जाती है और फिर पाकिस्तान में। मैं सोचता हूँ इस दरिया से हम जीवन लेते हैं, दरिया हम सबों को जीवन देती है, तो हम सब एक हो सकते हैं। इट कुड बी अ रियल नाइस मोटिव एंड सिग्निफिकेंस दैट ऑल आर वन इस सब कॉन्टिनेंट के लिए। दिस इज आई थिंक एन इम्पोर्टेंट। 200 साल पहले इसी एरिया में पास से फादर आए थे, मिशनरीज आए थे, लोगों को सिखाया था, स्कूल शुरू किए थे। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो दिस रिस्पेक्ट, दिस मान देने के लिए हम पीपल वर्क टू बी हियर। सिंधु तट पर अब हर साल देश भर से हजारों लोग पहुंचने लगे हैं और सिंधु देशवासियों को एक बार फिर से भारत की सांस्कृतिक यात्रा से जोड़ रही है। एक सिंधु के साथ हम लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा जुड़ चुकी हैं, उसे हम पूरे अपने इतिहास के प्रवाह से जोड़ करके देखते हैं। इसलिए जब भारत का विभाजन हुआ और सिंधु नदी के प्रवाह का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो हम सब की भावनाओं को उससे बहुत गहरा आघात लगा और हमें लगा कि शायद हमारी पहचान ही छिन गई है। इस मनस्थिति में, इस पृष्ठभूमि में, जब लेह के पास सिंधु के उस प्रवाह के दर्शन हुए, तो अंदर से एक ऐसा रोमांच पैदा हुआ, एक इस प्रकार का जिसको कहते हैं गर्व का और संतोष का भाव पैदा हुआ कि नहीं, सिंधु नदी अभी उसने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमारे पास है। और अब तो लद्दाख में सिंधु तट पर अन्य आयोजन भी होने लगे हैं। देश भर से सैकड़ों भक्त स्वामी अवधेशानंद की भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। भारत माते जय 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 भारत माते जय 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 कारगिल युद्ध में सिंधु पुत्र वीर जवानों की शानदार विजय हुई। इस युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों को सिंधु तट पर श्रद्धा पूर्वक सम्मानित किया गया। वीर जवानों को बहनों ने राखियां बांधी। इस राष्ट्रीय एकता के उत्सव में
सभी मत और विचारधारा के लोग आए और सिंधु का स्तवन किया। गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहा हूं और रहूंगा। महान सिंधु, आपने भारत को भारत का स्मरण करा दिया। भारत, तुमने यहां आकर मेरी सुध ली। तुम्हें अनेकों आशीर्वाद, साधुवाद। ये सिंधु उत्सव अब थमे नहीं। लद्दाख में हो, कराची में हो और मानसरोवर के तट पर भी, यही मेरी कामना है। हम सदैव अपना गौरवशाली अतीत स्मरण करें, स्वयं प्रगति करें और विश्व को भी प्रगति और प्रेम के मार्ग पर ले चलें। हे महान सिंधु, हम आपके प्रति चिर कृतज्ञ रहेंगे। आपने मेरे समक्ष मेरे 5,500 वर्ष पुराने इतिहास को दोहरा दिया, मेरी अच्छाइयां बता दी, मेरी कमजोरियां दिखा दी। हम प्रतिवर्ष आपका उत्सव मनाते रहेंगे, आपके दर्शन करते रहेंगे और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाते रहेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। विजयी भवा, यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा। एक अनादि और अनंत यात्रा है सिंधु की, और उतनी ही सनातन गाथा है उसके नाम से जुड़ी हमारी सभ्यता की। यही वो सभ्यता है जहां आज भी 5,000 वर्ष पुरानी परंपराएं और संस्कृति जीवंत हैं, फल फूल रही हैं, एक असाधारण निरंतरता के साथ, जिसे देखकर इकबाल कह उठे थे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात है सहिष्णुता, शांति, सर्व के कल्याण की। ये बात है वीरता, पराक्रम और सह अस्तित्व की, मानव जाति के विकास हेतु साहित्य की, ज्ञान और तप की, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का दर्शन कर उसके संरक्षण की। सिंधु की अविरल चिरंतन धारा के साथ हमारा भारत भी आगे और आगे बढ़ते हुए इस सभ्यता के उत्कर्ष की नित्य नूतन गाथा लिखे, विद्या और चरित्र के बल पर नए अध्याय रचे। यही है सिंधु का संदेश। 10 खंडों में सिंधु सभ्यता की यह झलक इसी भावना के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास था। वैसा ही जैसा श्रीराम की सहायता के लिए नन्ही गिलहरी का प्रयास। इस प्रयास से यदि आपके मन में सिंधु को और जानने समझने या कि स्वयं को पहचानने की और जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, तो हम यह प्रयास धन्य मानेंगे। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा।